तो चलिए इस वीडियो में अब हम सीखते हैं कि जिप फाइल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जिप फाइल होती क्या है। जिप फाइल एक टाइप का फोल्डर ही होता है जिसमें आप अपने काम से संबंधित सारे डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे ये फोल्डर है, इसमें आप देख सकते हैं मेरा कोई मान लीजिए प्रोजेक्ट है जिसमें MS वर्ड, एक्सेल और कुछ इमेजेस शामिल है। तो ये मैंने एक जगह पे इकट्ठी कर ली है, यानी कि ये एक फोल्डर बना दिया है। तो जिप फाइल भी एक फोल्डर की तरह ही होता है जिसे आर्काइव भी कहा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जिप फाइल क्यों बनाए। वैसे तो हम फोल्डर भी बना सकते हैं, दोनों सिमिलर है, क्यों बनाए। तो जिप इसलिए बनाते हैं कि मान लीजिए ये जो फोल्डर है, अगर आप ईमेल के द्वारा किसी को भेजना चाहते हैं तो अगर आप इसे ईमेल में अटैचमेंट में सेलेक्ट करेंगे तो ये फोल्डर पूरा सेलेक्ट नहीं होगा। जैसे आप फोल्डर पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा फोल्डर, और इसमें आपको एक एक डेटा सेलेक्ट करके भेजना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये तो एक फोल्डर है, अगर एक से ज्यादा फोल्डर हो तो सामने रिसीवर को बहुत सारे डेटा अलग अलग मिलेंगे, और अगर वो डाउनलोड करेगा तो वो सारे मिक्स हो जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए जिप फाइल बनाई जाती है, यानी कि जिप फाइल को जब आप सेलेक्ट करके मेल में सेंड करेंगे तो यूं की यूं फाइल चली जाएगी। और इसका जिप का उपयोग इंटरनेट से आप कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि डाउनलोड करते हैं तो उस वो भी लगभग जिप में ही आते हैं। दूसरा मेन फीचर ये है, इस फोल्डर की जो साइज है, अगर मैं इसे जिप में कंप्रेस करूंगा तो इसकी साइज कम हो जाएगी। तो साइज कम करने के लिए भी जिप का उपयोग किया जाता है। तो सीख लेते हैं कि जिप फाइल बनाते कैसे हैं। तो आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे विंग जिप कहते हैं, उसे डाउनलोड करना होगा। अगर आपको वो नहीं आता है तो आगे की वीडियो में बता दूंगा। तो जब वो इंस्टॉल कर देंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा कि फोल्डर जो भी है जिप फाइल्स है उसको एक फोल्डर में ले लें, जैसे इस फोल्डर में मैंने ले रखा है, और उस फोल्डर पर राइट क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड टू पर क्लिक करना है, और उसके बाद कंप्रेस फोल्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्रेस फोल्डर करेंगे, ये देखिए बुक्स के समान ये एक आइकन वाला फोल्डर आ जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं पूरा विनरार में ओपन हो रहा है, और आपकी ये जिप बन गई। अगर आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे डेटा आ जाएंगे, और अगर आप इन्हें ओपन करेंगे तो ये देख सकते हैं ये ओपन भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप जिप बना सकते हैं। अगर आपको मेल करना हो तो इसको सेलेक्ट करके आप जैसे भी मेल करेंगे, ईमेल में अटैचमेंट पर क्लिक करके मेल करेंगे तो ये सारा डेटा एक साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार आप जिप बना सकते हैं। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो जिप फोल्डर है या जिप फाइल है, इसको हमने ओपन किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गई। तो इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे बनाया जाए, यानी कि आप किसी को पर्सनली मेल करना चाहते हैं तो इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, यानी कि जब तक वो पासवर्ड एंटर नहीं करेगा उसका एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो वो हम आगे की वीडियो में सीख लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कंप्यूटर कोर्स से जुड़े और वीडियो के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें, और हमारी रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें।